हे गाइस, वेलकम बैक। और दोस्तों, मैं जस्ट अभी फिश रूम में आया और यहाँ पे भाई सबसे मुझे बुरी खबर मिली कि जो हमारा ऑक्सीजन पंप है भाई, इसने काम करना बंद नहीं किया है बट 50% बंद कर दिया है। क्योंकि ना भाई, हमारे सेटअप में फिश रूम में 50% हमारे जो टैंक है सबके ऑक्सीजन बंद है। ठीक है, जो कि देख सकते हो भाई, ये वाला भी बंद है और ये वाले दोनों चालू। ये क्यों चालू भाई? ये मैंने जुगाड़ किया है इसलिए चालू भाई। देखो, मैंने ओनली भाई यहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन की वायर आती है मैंने वही डाली है नल्ली, और ये भी बंद है भाई। इनका भी वही जुगाड़ किया है मैंने, और प्लस इनका भी मैंने वही जुगाड़ किया है। मतलब हमारे जितने भी मैंने स्पॉन्ज फिल्टर लगाए भाई, सबके सब बंद है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो भाई। ठीक है, इतना ऊपर किया तब चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या अड़चन आ गई तो मुझे वो देखना होगा। तो अभी क्या है भाई, क्या नहीं, हमें जल्दी से जल्दी से इसका काम करना होगा। तब तक के लिए मैं भी क्या करता हूँ, हमारे जो कोई फिश है ना भाई, इनका पानी भी बहुत ज़्यादा ये हो गया। और देखो भाई, हमारे जो कोई फिश है ना, ऑक्सीजन के लिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि देख सकते हैं इनका जो मुँह है भाई, कितना ज़्यादा फाड़ रही है। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमारी कोई उठाकर हमें हमारे बड़े टैंक में शिफ्ट कर, यहाँ पे वो घूम फिर सकेंगी आराम से, और यहाँ पे ऑक्सीजन पंप भी अवेलेबल है। तो अभी मैं इनको जल्द से जल्द पकड़ता हूँ, क्योंकि देखो भाई ये तो कैसे कर रही। चलो भाई, तो दोस्तों मैंने हमारे जो कोई फिश है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी भाई। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई थी, तो भाई अभी ये थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो गई, नहीं तो ये ना भाई सबके सब ऊपर आ रही थी ऑक्सीजन लेने के लिए। मैं बहुत जल्दी आ गया, इसकी वजह से हमारी कोई फिश बच गई यार। अभी इनको बड़ा स्पेस भी मिल गया और देख सकते हैं अभी वो हैप्पी हैप्पी लग रही है थोड़ी बहुत। और दोस्तों, हमारे फिश रूम में अभी हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने हैं। तो दोस्तों, चेंजेस क्या होने वाले, तो भाई हमारे जितने भी टैंक है भाई, उनके अंदर एक एक प्रॉपर सेटअप आने वाला है। ठीक है, जो कि अभी हमारे गप्पी फिश के अंदर एकदम प्रॉपर सेटअप है, तो ये अच्छे से ब्रीड भी कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे गप्पी फिश के आप बेबीज देख सकते हो कितने सारे हो गए। तो ऐसे हमारे सेटअप में, पूरे सेटअप में एक एक सेटअप आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे स्टोन्स वगैरह है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह भी रहे थे कि भाई आप ऐसे सेटअप ने ओनली आपने फिल्टर डाल के रखा है भाई, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई हम हमारे सेटअप को थोड़ा बहुत चेंज करने वाले, अभी नहीं करने वाले, एक एक सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले हमारे ऑस्कर फिश के दोनों सेटअप, और उसके बाद आएगा भाई हमारे पोलर पैरेट। अभी तो उनके बेबीज है तो उनको हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, उनका बेबीज का भी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं भाई कमेंट्स में कि आप अपने पोलर पैरेट्स के बेबीज का अपडेट दे दो, हर रोज के वीडियो में देते जाओ। ये देख सकते हो भाई, अभी ये अच्छे खासे बड़े बड़े हो रहे हैं। और मैं इनको खाने में दे रहा हूँ भाई डाफनिया, जो कि आपको पता था मैंने कल लाया। पहले तो बेबी दिखा देता हूँ, फिर मैं कौन सा फूड दे रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास पोलर पैरेट्स और उनके पास बेबी दे देती है, बट उनके बेबीज है ना भाई, वो पोलर पैरेट्स खा जाते हैं भाई। क्यों खा जाती है, मैं आपको एक रीज़न भी देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मैंने खुद देखा है। देखो भाई कितने सारे बेबीज है, सबके सब एक्टिव है, सबके सब जिंदा है, और सबके सब उनके मॉम डैड के साथ ही है। देखो भाई कितने ज़्यादा कम्फर्टेबल। इनको खाने में देता हूँ, जो कि मैंने अभी डाफनिया लाया था कल, कहा गया यार। ये देखो भाई, ये है डाफनिया, ये बहुत अच्छा होता है भाई, ड्राई डाफनिया है, और ये आपको एक्वेरियम शॉप में वगैरह इजीली अवेलेबल जाएगा। और ये भाई ये इंसेक्टा का फूड, ठीक है, इंसेक्टा करके एक फूड आता है, ये भी अच्छा होता है इनके लिए। और ये ऑप्टिमम आता है भाई, ऑप्टिमम तो आपको पता ही यार, बहुत सारे भाई ऑप्टिमम ही यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा फूड है। तो भाई अभी हमारे पास है ना भाई फिश का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो अभी हमें ना भाई 6 महीने देखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो कितना सारा है, 6 महीने नहीं यार, 2-3 महीने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमें 4 से 5 दिन में एक पैकेट लग जाता है फिशेज के लिए, और मैंने ये थोड़ा अलग फूड भी लाया है। अभी फिशेज का तो स्टॉक हमारे पास बन के रखा है, और हमारे मुर्गियों और हमारे जो पिजन्स है उनके लिए अभी खाने का स्टॉक नहीं है। तो कल हमारे यहाँ पे बाजार से हम कल उनका जितना सामान हम लेके आएंगे। मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई ये चीज लाने के लिए, ठीक है, तो फाइनली मुझे ये कल मैं नर्सरी गया था और पेट शॉप में भी गया था, तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो देख सकते हो गाइज, ये चीज़ मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे भाई ये चीज़ आप अपने पॉन्ड में ऐड करो। तो फाइनली भाई हमें ये चीज़ मिली। तो ये चीज़ है भाई वाटर कैबेज, ठीक है। मुझे बहुत सारे भाइयों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स में भी मैसेज आ रहे थे कि भाई आप ये ज़रूर ऐड करना, आपके जो बेबीज है मतलब गप्पी फिश के वगैरह बेबीज है, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमारा जो टैंक है ना भाई, यहाँ पे भी दो हमारे ये क्या बोलते हैं यार इसे, भूल गया यार मैं, वाटर कैबेज, तो मैं यहाँ से 2 उठाकर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हमारे गप्पी फिश के टैंक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी गप्पी फिश के बहुत सारे बेबीज होते हैं, तो इनके अंदर छुप के वो अच्छा सर्वाइव भी कर लेंगे। चलो भाई, ये पहला वाला मैंने डाल दिया यहाँ पे। देखो भाई इनके रूट्स, देखो इनके रूट्स में इजिली ये छुप कर बैठेंगे,
वहाँ से ना यार सामने से ना धूप आ रही है, तो कैमरा इतना अच्छे से हमारा एंगल नहीं पकड़ रहा है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो ऐड कर दी भाई, ये यहाँ पे ग्रो कर गई तो हम और यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये ग्रो कर पाएंगी, बट लगता भी है क्योंकि यहाँ से सामने से ना सीधा यहाँ पे धूप आती है, तो क्या पता यार ग्रो कर जाए तो अच्छा हो जाएगा, पूरा यहाँ पे वाटर कैबेज ही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये हम ऊपर शिफ्ट करते हैं और ऊपर जो हमारे गप्पे पॉइंट है वहाँ पे ऐड करते हैं। चलो फाइनली भाई मैं आ गया यार, कल से मैं एक दो दिन से घर नहीं हूँ, तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारे हवा और बारिश होने की वजह से ना भाई थोड़ा बहुत ही हमारा ये हो गया था, बट अभी कुछ नहीं, अभी सेट है भाई। देख सकते हो यहाँ पे ना भाई धूप भी कम आ रही है और हमारे मौली फिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी है यार। ये देखो हे बड़ी सा लो, हेलो 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 हेलो। यहाँ पे ना मुझे लगता है ना भाई हमारे जो वाटर कैबेज है ना भाई यहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे एक दो डाल के देखते हैं तो यहाँ पे सर्वाइव करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो ब्रीड भी करती है, मतलब आपको दिखा दो वो ब्रीड कैसे करती है। तो दोस्तों ये ब्रीड कैसे करती है आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। ये देखो भाई ये एक एक के ऊपर एक लग जाता है, देखो यार ये इसे ब्रीड करती है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई आप एक ही डालोगे तो एक ही रहेगा, इसको भाई पूरा वाटर इसका फैल जाएगा। और ये भाई इसका सबसे अहम, बहुत सारे भाई मुझे ये भी बोले भाई इससे ना भाई पानी भी आपका क्लीन रहेगा और आपके जो बेबीज रहेंगे भाई इनमें सुरक्षित रहेंगे, मतलब इनके जो रूट्स आते हैं ना भाई इनके अंदर आपने जो अभी गप्पी फिश बेबीज देंगी तो इनके अंदर छुप कर हमारी जो गप्पी फिश की बेबीज है ये सेव रहेगी, मतलब उनके जो मॉम डैड है उनके ऊपर ये अटैक नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, ठीक है। ये गई हमारी पहली वाटर कैबेज, ये गई हमारी सेकंड वाटर कैबेज, यहाँ पे मैं आधी डाल दूंगा और हमारे मौली फिश के पॉन्ड में आधी डाल दूंगा। ये गई हमारी थर्ड, ये गई हमारी फोर्थ, ये गई हमारी फिफ्थ। भाई मैंने ना कल लाया इससे अच्छे तरीके से क्वारंटाइन किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या पता यार बहुत सारे अलग अलग कीड़े निकल रहे थे, ठीक है आपको पता ही, इसलिए मैंने यहाँ पे ना अच्छे अच्छे धोकर यहाँ पे क्वारंटाइन करके रखा था रात भर। इसे अभी 24 आवर्स हो गए, ठीक है, फिर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अभी चलो ये डालता हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे भाई भी बोले थे इंस्टाग्राम पे, मतलब ये लाने से पहले ना भाई मैं पूरा सोच समझ कर लाता हूँ कोई चीज़ लाता हूँ ना सेटअप के अंदर, क्योंकि भाई एनिमल्स है भाई, इसको इनको कोई भी वायरस वगैरह लग जाता है तो ये तुरंत हमारे मर भी सकते हैं, इसकी वजह से भाई हमें बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है इनकी। चलो भाई ये भी गया, ये भी गया, अब देखो यार अभी थोड़ा बहुत खूबसूरत लग गया। अभी ये जब ब्रीड करेगी ना यार, जब ब्रीड करेगी ना बहुत ज़्यादा ये पूरी फैल जाएगी ना, तब और अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे वाटर लिली भी ऐड करनी है, बट वो मिल नहीं रही यार, कल मिल रही थी मुझे, बट वो कैसे लाता ना यार, मैं बस से गया था, कार वगैरह से जाता तो मैं ईजिली लेके आता, तो अभी इतनी हम ही बच्चे हैं तो ये हम क्या, भाई ये पानी बहुत ज़्यादा है यार, थोड़ा कम कर लेता हूँ पानी, हो जा कम, हो जा हो जा, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ ना भाई यहाँ पे लेकर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये। तो देखो भाई ये है हमारा मौली फिश का पॉन्ड, जो कि अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये गया हमारा पहला, ये गया हमारा दूसरा, ये देखो कितना है भाई, कितना बड़ा है, इसके साथ इतने छोटे छोटे बेबीज भी है। ये गया हमारा तीसरा, ये गया हमारा चौथा, और शायद से यहाँ पे अच्छे फैल जाए यार ये। ये क्या हमारा, देखो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, और इनके आप रूट्स देख सकते हो, ये रूट्स में उनके जो बेबीज है बहुत अच्छे तरीके से सेव रहेंगे हमारे बेबीज मौली फिश के। अभी इनको मैं ना फीडिंग वगैरह कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो भाई ये ना इनके रूट्स पे अटैक कर रहे हैं यार, मुझे ऐसा लगता है रूट्स खा जाएंगे मौली फिश, मुझे कुछ नहीं पता यार इनके बारे में, ठीक है फूड दे दो। दोस्तों यहाँ पे मैंने फूड लेके आया, और ये है भाई फ्लेक्स फूड, और ये है डाफनिया। देखो भाई ये ऐसा होता है डाफनिया, इनको भाई ये ऐसा क्यों कर रहे यार, देख सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है ना भाई ये इसकी रूट्स खा रही है यार, बहुत ज़्यादा भूखी ना, तो मैं इसे जल्दी जल्दी डाल देता हूँ डाफनिया, बहुत सारा डाफनिया, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई अभी इसे अटैक करके खा जाएगी दो मिनट में, ये आ गई भाई, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भाई डाफनिया, ड्राई डाफनिया है, आप ज़रूर आपके फिश के ऊपर ट्राई करना। जो मौली फिशेज गप्पी फिशेज होती है, जो टेट्रा वेराइटीज की छोटी छोटी फिशेज होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उनके जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए तो और अच्छा है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे हमारी मौली फिश सीधा टूट पड़ी है डाफनिया के ऊपर, देखो यार मुझे तो लगता है ना भाई ये भी इनको कम पड़ जाएगा यार, होय 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 भाई सबकी सब टूट पड़ी है यार, और आस हुई है यार। और मुझे भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये इनके रूट पे क्या खा रही थी, मतलब यहाँ पे कीड़े खा रही है या कुछ और खा रही है, नहीं तो भाई यहाँ से हमें जल्द से जल्द रिमूव करने होंगे ये प्लांट्स, क्योंकि भाई इनके रूट से ये खा जाएंगी तो भाई ये डालकर क्या फ़ायदा, ठीक है ना, आप मुझे ज़रूर जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता देना। वाह यार क्या व्यू है भाई, और ये जो व्यू है ना भाई, अभी तो दोपहर है बट ये जहाँ पे इवनिंग में आने गया और यहाँ पे मॉर्निंग में आने का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे इनको फीडिंग करते हुए, इनको देखने के लिए
वाह यार, किसे अटक करके खा रही है। और मुझे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ से आप अपनी बलन मौली जो है ना वो रिमूव कर लो, मतलब आप उनकी सेपरेट ब्रीड करो, नहीं तो ये जो हम आपकी जो मिक्स मौली है ये उनके साथ क्रॉस होगी, उनके आपके जो बेबीज क्रॉस आएंगे तो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, हम उनके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे पौंड बनाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे पौंड वगैरह बनाने का, बट देखेंगे भाई अभी घर वालों की परमिशन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखते ही देखते इन्होंने 10 सेकेंड के अंदर भाई पूरा डाफनिया ख़त्म कर दिया, तो अभी भाई मैं इनको दूंगा फ्लेक्स फूड। इनको डाफनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार, उनके साथ इनका जो फ्लेक्स फूड है ये भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है यार। इनको ना यार मैंने ना मॉर्निंग में आज फीड नहीं दिया, इसकी वजह से हमारी जो मॉली फिश है इतनी ज़्यादा भूखी लग रही है मुझे। मैंने आफ्टरनून का इनको खाना दे दिया अभी, और इवनिंग का अभी बचेगा इवनिंग का मैं इनको दे दूंगा। मॉर्निंग में इनको मैंने खाना क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई मैं गया था गाँव, आपको पता था यार कल मैं फिड शॉप वगैरह विजिट किया, वहाँ से मैंने वाटर कैबेज वगैरह लाई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था और घर पर भी कोई नहीं था। तो यार देख सकते कितने खूबसूरत है यार। तो ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं हमारे गप्पी फिशेस को फीड। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि हमारी गप्पी फिश भी बहुत ज़्यादा भूखी है। चलो भाई इनको डाफनिया ट्राई करते हैं, मैंने बहुत दिनों से हमारे गप्पी फिश को डाफनिया नहीं दिया है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा यार। भाई इसे खोलना, ऐसा खोल 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 खोल, ओए 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 ओए, ये तो गप्पी फिश का फेवरेट फूड है यार। बनकर जल्दी हवा से ना उड़ रहा है ये देखो भाई, देखते ही देखते हमारे जो गप्पी फिश है सब ऊपर आने लगी। होए 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 होए, मुझे लग रहा है ना हमारे गप्पी फिश कम कम हो गए ना, क्या लगता? तो हमारा जो एलिगेटर का वाटर था भाई, मैंने आज यहाँ पे थोड़ी लेवल बढ़ा दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कमेंट्स कह रहे थे कि भाई आपका एलिगेटर का कार का जो पानी है भाई बहुत ज़्यादा कम है। भाई आप ही देख लो यार कितना कम है। ठीक है, ये पूरा डूबा हुआ है भाई। ठीक है, नहीं तो इसका पानी जो हम फुल कर देते ना भाई ये बाहर भी आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, बट आज तक तो बाहर नहीं आया, बट क्या कहते हैं यार मुझे नहीं पता। इसको देखते ही देखते हमारे जितनी गप्पी फिश है सबकी सब अभी ऊपर आ गई, तो अभी इनको मैं ना फ्लेक्स फूड भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि डाफनिया तो ये 2 मिनट में ख़त्म कर दी, मुझे पक्का पता। ओ शिट यार, यहाँ पे हमारी गप्पी फिश की डेथ हो गई है यार, शिट। होए होए होए, कैसे मरी हुई यार ये। अबे यार इसे ना यहाँ पे रख देता हूँ लैंड के अंदर। बहुत दिनों के बाद यार हमारी पहली गप्पी फिश मरी यार, कैसे मरी यार ये। तो मैं यहाँ पे कब का खड़ा हूँ यार, यहाँ पे देख रहा हूँ ना यार, मैंने इनको कंटिन्यू मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये हमारे जो क्या बोलते हैं इसे वाटर जो कैबेज है इनके ऊपर अटैक कर रही है यार हमारी मौली फिश। ये क्यों कर रही है यार, मतलब इनके जो रूट्स है ना भाई, ये रूट्स के ऊपर अटैक कर रही है यार। क्या मतलब इनके अंदर कीड़े खा रही है यार, क्या खा रही है मुझे सच में नहीं पता यार, क्योंकि यार मरनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैंने बहुत दूर से लाया है, हमारे यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या यार देखो यार इन्हें खाना नहीं चाहिए यार, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई इनके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब क्या ऑप्शन है यार, क्योंकि मैं यहाँ पे ना हमारी जो ये वाटर कैबेज है ना पूरी फैलती हुई देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें मरनी नहीं चाहिए यार, इसलिए मुझे इनके लिए कोई मेडिसिन वगैरह होगी, कोई वैक्सीन वगैरह कुछ प्लांट्स को होती है भाई। ठीक है, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, तो मैं मेडिकल शॉप से ज़रूर ये लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब इनके कोई न्यूट्रिशंस वगैरह होते तो मैं वो ज़रूर ऐड कर दूंगा वाटर में। ठीक है, आप मुझे वो बोल देना। होगी यार ये नया इसकी इसकी वजह से टेंशन हो रही यार मुझे, मरेगी तो नहीं ना यार ये, नहीं तो ये पीली पड़ जाएगी, इनकी रूट्स ही नहीं रहेगा तो पीली पड़ जाएगी यार, आदत हो जाएगी। हाँ यार आदत तो होनी चाहिए, क्योंकि ना बेबीज देती है ना सीधा उनके ऊपर अटैक कर देती है, बेबीज को ना हाइडिंग प्लेस भी देगी ना, ये देख यहाँ पे हमारे जो बेबीज रहेंगे यहाँ पे छुप के रहेंगे। मैं नीचे आ गया, और दोस्तों मुझे आप ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हमारे जो बड़ा केज है भाई इसका हमें नाम भी चाहिए, और इसको कौन सा कलर वगैरह देना है आप मुझे ये ज़रूर सजेस्ट करना। ठीक है, कौन सा कलर, मतलब इसे ब्लैक कलर देना, रेड कलर देना, येल्लो कलर देना, हमें बहुत मुझे कन्फ्यूजन है भाई। ठीक है, और मुझे आप ज़रूर सजेस्ट कर देने का। गाइस अभी हो गई है रात, और दोस्तों हमें कल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट काम क्या है अभी देख सकते हो भाई, ये पानी अभी पूरा ब्लर होने लगा, क्योंकि इधर हमारे ज़्यादा फिश की क्वांटिटी ज़्यादा है, और इधर का जो स्पॉन्ज फिल्टर है भाई वो बंद पड़ चुका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ करके ये वाला ऑक्सीजन डाल दिया है ऐसा, और अभी तो ये फिलहाल के लिए चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए भाई इनको। ठीक है, कोई फिश है तो, और हमें कल हमारे ऑक्सीजन पम्प भी जा रहा है। ठीक है, आई पेट शॉप में भाई उसको क्या प्रॉब्लम है देखेंगे, कॉल करा के देखेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दुकान पे देंगे, फिर हम देखेंगे भाई उसके प्रेशर में क्या प्रॉब्लम वगैरह है, और हमें हमारे जितने भी स्पॉन्ज वगैरह है मैं कल सब साफ सफाई करके वो रख दूंगा। अभी तो भाई रात है, और रात का सेटअप में ऐसा सीन होता है भाई।
स्नो कहाँ गया? स्नो अच्छा मैंने यार ना यहाँ पे बैठा है यार, इसको मैंने बंद कर दिया था। स्नो ही मेरी क्यूटी सुई। और दोस्तों है ना, हमारे जो मुर्गी है ना भाई, मैंने इनका अंडा ही नहीं लिया भाई। अभी मैं क्या करूँगा ना, इधर से कल मैं उठा लूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं यही रहने देता हूँ। और पिजन क्या कर रहे हैं भाई, हमारे लकी पिजन के दोनों बेबीज नीचे हैं, यहाँ पे हमारे चारों बेबी नीचे हैं, ठीक है। मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हुए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं भाई कल के वीडियो में।